जौनपुर जिले के नेवणिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत काशियाँ में जारी खनन समाचार के चलने के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए खनन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर और जेसीबी को कब्जे में लेकर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। मामले ने तोल उस समय पकड़ लिया जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ललई सरोज को इस मामले की खबर लगी और उन्होंने चौकी प्रभारी त्रिवेणी सिंह को फ़ोन किया और फ़ोन पर जब तक की हुई ट्रैक्टर और जेसीबी छोड़ने की बात की। शुरुआत में चौकी प्रभारी ने असमर्थता जाहिर करते हुए बताया कि मामला खनन विभाग से संबंधित है और खनन विभाग के अधिकारी चौकी पर आ रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इस पर ललई सरोज जी ने चौकी प्रभारी पर दबाव बनाते हुए कहा कि वहां पर और भी जेसीबी थी, क्या उसे क्यों नहीं लाए आप। और धीरे धीरे यह वार्तालाप अभद्र वार्तालाप में बदल गई, जहां पर दोनों ही तरफ से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कहीं भी उचित नहीं थे। देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवैध खनन के ऊपर सख्त रवैया अपनाते हुए, वहीं मणियाहूं विधानसभा में अपना दल पार्टी के पदाधिकारी ललई सरोज चौकी प्रभारी पर दबाव बना रहे हैं और चौकी प्रभारी ने भी अब शब्दों का प्रयोग करते हुए दबाव बनाने से उस पर इनकार कर दिया। यह वार्तालाप का ऑडियो देखते ही देखते पूरे जनपद जौनपुर में वायरल हो गया। वायरल ऑडियो होते ही अपना दल के कई सारे पदाधिकारियों ने नेवणिया थाना इंचार्ज के पास पहुंचे और चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के उपरांत अपने बयान में ललई सरोज ने कहा कि त्रिवेणी सिंह जैसे अधिकारी वर्दी में लुटेरे और गुंडा माफियाओं का काम कर रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अपना दल में प्रदेश महासचिव हूँ, आजमगढ़ प्रभारी हूँ और मुझे जब प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है तो बाकी जनता का क्या होगा। हालांकि पत्र देने के उपरांत अपने बयान में ललई सरोज ने कहा कि त्रिवेणी सिंह जैसे अधिकारी वर्दी में लुटेरे और गुंडागर्दी का काम लगातार कर रहे हैं। हालांकि नेवणिया थाना इंचार्ज के उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी उनको मिला है। बाद में मामला ठंडा पड़ा, परंतु कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। इस मामले में क्या पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए जनप्रतिनिधियों के मनोदशा को समझकर कार्य करेगा या जो उचित और कानून के अंदर है उस पर कार्य करेगा। पुलिस विभाग के नए ऐसे सिलसिले खुलकर आ रहे हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पुलिस विभाग के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात सच हो गई है। अगर ये एक्शन लेते हैं तो पदाधिकारी रोकते हैं और एक्शन ना ले तो जनता कोसती है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस मामले में क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए थाना इंचार्ज ने जिले के आला अधिकारियों से बात कर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूरा प्रकरण ललई जी ने बता दिया है, हम लोगों ने इस सचिव महोदय को मुकदमा दर्ज करने एप्लीकेशन भी दे दिया है और इस सचिव महोदय ने उस पर कार्रवाई के लिए हमको समय कहा 10-20 मिनट बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करूंगा। साथियों, मैं SP महोदय से स्वयं मांग करता हूं तत्काल जो है ऐसे लोगों को जो इस तरह से अपने विभाग का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निलंबित कर देना चाहिए। साथियों, जो पुलिस का नाम बदनाम करते हैं ऐसे लोग। जिला अध्यक्ष जी बताइए, खनन विभाग हो रहा था, खनन विभाग तो छोट है नहीं, रोक लगी हुई है जी, तो क्या पैरवी करना सही था गलत था? देखिए, ठीक है, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो हम लोग जब फ़ोन किए तो आपको बता देना चाहिए कि सर इसमें हम कुछ नहीं, आप गाली दे के बात करेंगे ये कहीं नहीं लिखा है। और यही आप कह देते सीधे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर हम लोग गाली दे के बात करते तो आप कहते, आप गाली दे के मेरे किसी प्रदेश के कार्यकर्ता को बात करेंगे कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्या मामला है? क्या मामला था? मामला ये है कि भावपुर चौकी इंचार्ज मिट्टी की खुदाई हो रही थी, ट्रैक्टर को पकड़ रखे थे जो कि जोगापुर रायपुर के ट्रैक्टर थे, 3 ट्रैक्टर हैं महेंद्र पटेल के, उसमें लगे हुए थे, मिट्टी ढुलाई कर रहे थे। उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया गया, वो किया लड़का कि हमारा ट्रैक्टर पकड़ लिया, हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया कि ट्रैक्टर को देख लीजिए सर, जो है मिट्टी उट्टी तो अक्सर खुदा पाटने के लिए घर के लिए बरसात का समय है, लोग मिट्टी उट्टी का काम कर रहे हैं, देख लीजिए सर। उसके बाद ये कहें कि अभी 1 घंटे बाद हम देखते हैं। फिर माननीय जिला अध्यक्ष जी को मैंने फ़ोन किया, जिला अध्यक्ष जी भी हमारे फ़ोन किए,
फिर उसके बाद कहें आधे घंटे बाद छोड़ दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि चले जाइए चौकी पे, आप जाके देख लीजिए क्या मामला है। हमने चौकी पे गया तो कहें ठीक है आधा घंटे बाद मैं छोड़ता हूँ। आधे घंटे बाद मैं फ़ोन किया तो मुझे कह रहे हैं कि खनन अधिकारी यहाँ मौके पर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हमने कहा मौके पर आ रहे हैं सर, वहाँ 3 GCB चल रही थी, एक को तो आप ले आएँ ट्रैक्टर पकड़ के सारे, और GCB का क्यों नहीं पकड़े सर। तो कहें ज़्यादा बात मत करो पास सरोज जी, ज़्यादा बात मत करो। उसके बाद कह के मुझे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिए, जो कि इतनी भद्दी गालियाँ दी हैं कि अब कहने में मुझे बहुत शर्म हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरा मुकदमा दर्ज करें। यशो महोदय ने कहा कि ठीक है, मैं जो है अभी मुझे मौका दीजिए, मैं उच्च अधिकारी से बात करके मैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। ये भाऊपुर चौकी का मामला है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ जो कि प्रदेश महासचिव हूँ, अनुसूचित मंच आजमगढ़ लालगंज प्रभारी भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। एक सम्मानित आदमी को, जनप्रतिनिधि को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आम जनता को ये शासन प्रशासन कितना प्रताड़ित करती होगी, आप जरा सोचने की विचार करिए। ये बताइए कि चौकी इंचार्ज कौन थे? चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह हैं। त्रिवेणी सिंह जी, ये इतना जो कि ये वर्दी के रूप में ये जो है लुटेरे और गुंडा माफिया का काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कुर्सी खाली करवाइए आप लोग। यशो साहब से आपने अपनी बातों को रखा तो उन्होंने क्या आपको? यशो साहब मुझे आश्वासन दिए हैं, कुछ अधिकारी से मैं बात करके मुझे मौका दीजिए, मैं उनके खिलाफ आज ही कार्रवाई करता हूँ। देखते हैं फिर क्या करते हैं यशो महोदय। और अगर यहाँ से नहीं होता है तो मैं ऊपर अपने आला कमान तक, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, फिर उसके बाद जो है जिले के जो बड़े अधिकारी हैं मैं उनके तक अपनी बातों को पहुँचाऊँगा। और ट्रैक्टर जिसी भी सब कुछ लाए थे, कितना 5 ट्रैक्टर था। एक ट्रैक्टर को जो है ये यहाँ का अटरिया का ट्रैक्टर था, वो मिट्टी लदा हुआ था, इस पर मट्टी, वो जो 4 ट्रैक्टर थे उस पर मट्टी नहीं लदे हुए थे, उस ट्रैक्टर को जो है रोक लिया गया जिसपे मट्टी लदा।